हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूम योरसेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ गाइस ये बहुत ही इजी स्टेप में नो फाउंडेशन वाला मेकअप लुक, जिसको आप डेली वेयर पे लाइक कहीं बाहर जा रहे हैं या छोटी मोटी पूजा फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और टाइम पे आपको हैवी मेकअप वेयर करना पसंद नहीं करते, आप चाहते हैं बहुत ही सिंपल कम प्रोडक्ट के साथ मेकअप हो जाए बट वो मेकअप बहुत ही खूबसूरत लगे। जैसे इस टाइम आप मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे कि जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो विदाउट फाउंडेशन है गाइस, ना नो फाउंडेशन, नो बीबी क्रीम, नो आईलाइनर, बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो आगे की वीडियोज में आप देखेंगे कि कैसे मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेकअप लुक ऐसा है कि सारे एथनिक वेयर के साथ ये चला जाएगा। लाइक यदि आप कोई भी एथनिक वेयर पहन रहे हैं, नॉर्मल सूट भी पहन रहे हैं, उसके साथ ये बहुत अच्छे से चला जाता है, साड़ी के साथ बहुत अच्छे से चला जाएगा और आपका लुक काफी अच्छा लगेगा। आप वहाँ पे पॉप आउट होकर के आएंगे एंड पुट टुगेदर भी लगेंगे साथ ही साथ। सो ये काफी क्लासी काइंड ऑफ मेकअप लुक है, तो डेफिनेटली आप सभी को ट्राई करना चाहिए। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली मेकअप करने से पहले हम अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर के लिए निविया का लाइट मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ गाइस, इसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। थोड़ा सा लिप बॉम अपने लिप्स पे अप्लाई कर लेंगे ताकि जब हम लिपस्टिक अप्लाई करें तो हमारा लिप्स बिल्कुल भी केकी ना दिखे, लिप्स बहुत खूबसूरत और स्मूथ दिखे। इससे पहले आप मेक श्योर करें कि लिपस्टिक वेयर करने से आधे घंटे पहले अच्छे से अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लें लिप बॉम की हेल्प से। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये मेकअप लुक नो फाउंडेशन मेकअप लुक है, तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन नहीं लगाने वाली हूँ, मैं केवल और केवल कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ। वो भी सारे फेस पे कंसीलर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, मैं अपने अंडर आई पे कंसीलर अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो डार्क सर्कल है वो कवर अप हो जाए, एंड अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी ताकि हम आई शेडो जब वेयर करें तो कलर अच्छे से उभर के आए। थोड़ा सा हाइलाइटिंग पर्पज़ के लिए आईब्रो के ऊपर भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी, थोड़ा सा माउथ के एक्रॉस जहाँ थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है उस एरिया को टारगेट करते हुए मैं अप्लाई कर लूँगी। अब सारे कंसीलर को हम एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मेक श्योर करें गाइस कि आप अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करें, क्योंकि ये डे मेकअप है और यदि ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी तो आपका कंसीलर काफ़ी उभर के दिखेगा। सो आप मेक श्योर करें कि अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करें। क्योंकि मैं यहाँ पे फाउंडेशन नहीं अप्लाई कर रही हूँ तो अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं क्या करूँगी, सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर को अपने सारे फेस पे एक बार डैप डैप कर लूँगी ताकि उसमें जो भी थोड़ा बहुत कंसीलर का पार्ट है वो लग जाए एंड साथ ही साथ सारा कुछ इवन दिखे। मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरा फेस अनइवन दिखे, तो इवन दिखे इसलिए मैं अपने सारे फेस पे एक बार ब्यूटी ब्लेंडर को डैप डैप कर लूँगी। एंड यू गाइस कैन सी दैट कि अभी थोड़े से मेरे पिंपल्स और थोड़ा सा पिगमेंटेशन मेरे चिन पे दिख रहा है। सो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा कंसीलर और लूँगी, उसको फिर से ब्लेंड कर लूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा है या फिर आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं, तो आप एक बार में ज़्यादा अमाउंट अप्लाई मत करिए, लेयर बाई लेयर आप मेकअप अप्लाई करेंगे तो मेकअप नेचुरल दिखता है। अब हम यहाँ पर लूज पाउडर की हेल्प से अपने अंडर आए और अपर आईलिड पे लगे हुए कंसीलर को सेट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं लूज पाउडर यूज कर रही हूँ मैबलिन फिटमी का लूज पाउडर है, जिसमें मेरा शेड है मीडियम। सो आई मेकअप के लिए आज जो हम आई शेडो पैलेट यूज कर रहे हैं वो है फॉक्लर का ट्यूबलाइट पैलेट गाइस, और जो शेड हम पहली शेड पिक कर रहे हैं वो है लाइट ब्राउन शेड, क्योंकि ये डे मेकअप है तो हम अपने आई मेकअप को बहुत ही नेचुरल रखेंगे। सो मैं ये लाइट ब्राउन शेड पिक करके एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने सारे लीड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। यू गाइस कैन सी दैट थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट अपने ब्लेंडिंग ब्रश पे आप पिक करें और अच्छे से उसको ब्लेंड करते रहें जब तक आपको मन चाहा कलर नहीं मिल जाता है अपनी लीड पर। देन मैं यहाँ कोई आईलाइनर अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे स्मोकी आईलाइनर क्रिएट करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लम का कोल यूज़ कर रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं अच्छे से
एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी, अपने आईलैशेस के क्लोज क्लोज एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी और उसको एक स्मजर ब्रश की हेल्प से स्मज करूंगी। देन मैंने एक और कोट काजल का अप्लाई किया, फिर उसको अगेन स्मजर ब्रश की हेल्प से स्मज कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आप जब लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करते हैं, आराम से काम करते हैं और एकदम आपको परफेक्शन मिल जाता है। सो गाइस, आप भी ऐसा करें, इकट्ठा बिल्कुल प्रोडक्ट अप्लाई ना करें। आप देख पाए होंगे कि मैं पहले एक बार काजल अप्लाई की, देन उसको स्मज कर ली, फिर उसके बाद थोड़ा सा और काजल अप्लाई की, फिर उसको स्मज कर ली, इससे काफ़ी अच्छा स्मोकी आईलाइनर लुक क्रिएट हो चुका है। सो सेम ही प्रोसेस हम दूसरे आईज के साथ भी कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे सेम प्लम का काजल लूँगी और अपने अपर टाइट लाइन पे उसको अप्लाई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि आपके आईलाइनर और लैसेस के बीच में एक गैप नहीं दिखता और आँखें भरी हुई और खूबसूरत दिखती हैं। सेमी काजल से हम अपने लोअर लैस लाइन के करीब करीब अप्लाई करेंगे काजल को, एंड अगेन एक स्मॉल स्मजर ब्रश की हेल्प से हम काजल को स्मोक आउट कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से आप स्मज करें काजल को। देन हम सेम काजल को अपने लोअर वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लेंगे। काजल की हेल्प से हम अपने लोअर वाटर लाइन को अच्छे से फील कर लेंगे। ये डे मेकअप है तो मैं यहाँ पे कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, अपने आईलैशेस को थोड़ा सा कर्ल कर लूँगी विथ हेल्प ऑफ आईलैशेस कर्लर। ये कलर मेरा बेगा का है जो कि आपको इजीली अमेजोन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हो जाता है। देन यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ मस्कारा। जो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वो भी आपको लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये मैबलिन का वॉल्यूम एक्सपर्ट हाइपर कर्ल मस्कारा है एंड आप चाहे तो इसको ऑनलाइन अमेजोन नायका फ्लिपकार्ट वगैरह से भी बाय कर सकते हैं। सो मैं इसकी हेल्प से अच्छे से अपने लैसेस को कोट कर लूँगी। एक ही कोट मस्कारा का अप्लाई करने वाली हूँ बिकॉज ये डे मेकअप है और मुझे नेचुरल लुक चाहिए। इस वजह से मैं एक कोट अपने मस्कारा का अच्छे से अपने लैसेस पे अप्लाई कर लूँगी। देन यहाँ पे अब हम अपने आईब्रो को फिल करने वाले हैं। यहाँ मैं हमेशा की तरह बहुत इजी वे में आईब्रो को फिल करूँगी। मैं यहाँ पे आईब्रो को फिल करने के लिए आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। यू गाइस कैन सी दैट मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो पिक किया है और उसको एक ब्रश की हेल्प से, एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से कलर को पिक कर रही हूँ और धीरे धीरे अपने आईब्रो के गैप्स को फिल कर रही हूँ। आप भी आई शेडो के हेल्प से बहुत अच्छे से अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं। यदि आपके आईब्रोज ब्लैक हैं, नेचुरल जेट ब्लैक हैं, तो आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके आईब्रोज लाइट ब्लैक हैं या फिर ब्राउन टोन पे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो कलर पिक करें और उसकी हेल्प से आईब्रो को फिल करें। सो यू गाइस कैन सी दैट कि मेरा आईब्रो फिल हो चुका है। अब हम अपने सारे फेस को सेट कर लेंगे विथ हेल्प ऑफ लूज पाउडर। यहाँ अगेन मैबलिन फिटमे का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई मीडियम कवरेज का कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर भी अपने फेस को सेट कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत कवरेज भी मिल जाता है, बट मैं लूज पाउडर की हेल्प से ही अपने फेस को सेट करूँगी। यहाँ पे मैं अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज अप करूँगी या फिर आप बोल सकते हैं लाइट कंटूरिंग करूँगी। आप ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं बट आई रियली लाइक कंटूरिंग, मुझे हल्का कंटूरिंग करना पसंद है। सो मैं शुगर का डी फोर्स कंट्रोल पैलेट की हेल्प से अपने फेस को अच्छे से कंट्रोल कर लूँगी। मैं यहाँ पे लाइट कंटूरिंग करूँगी, थोड़ा सा अपने चिक बोन के अक्रॉस कंट्रोलिंग करूँगी, थोड़ा सा फोरहेड पे अप्लाई कर लूँगी एंड हल्का सा अपने नोज़ पे अप्लाई कर लूँगी बस। देन यहाँ पे मैं ब्लश के लिए अगेन मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैं एक बहुत ही पीच टोन पे कोरल कलर पिक कर रही हूँ और उसके हेल्प से बहुत ही लाइट ब्लश अप्लाई करूँगी, बहुत ही ज़्यादा लाइट, एग्जैक्ट अपने चिक्स पे अप्लाई करूँगी। बिल्कुल भी मैं उसको अपने नोज़ के अक्रॉस ड्रैग नहीं करने वाली हूँ, बहुत लाइट ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। यू गाइस कैन सी दैट। सेम ही पैलेट में एक सिल्वर कलर फेस पे, सो मैं थोड़ा सा कलर पिक करूँगी और बहुत ही अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी। हाइलाइटर को भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि नेचुरल ग्लो आए फेस पे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब भी आप डे टाइम पे मेकअप करें तो हाइलाइटर अप्लाई करें, उसको अच्छे से ब्लेंड करें, तो वो आपको नेचुरल लुक देने में हेल्प करता है। बस अपने उंगलियों के हेल्प से मैं अपने
ब्रा बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी बहुत ही लिटिल बिट, क्योंकि हमने काजल काफ़ी भर भर के अपनी आंखों में अप्लाई किया है। सो मैं थोड़ा सा अपने आइज के इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट करूंगी। तो सेमी हाईलाइटर को मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूंगी ताकि आंखें थोड़ी सी ओपन अप दिखे। सो मेकअप लगभग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अभी लिप्स को फिल करना बचा है। सो लिप को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे NYB का बुलेट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। उसमें जो थोड़ा सा पर्पल टोन पे पिंकिश कलर है उससे मैं अपने लिप्स पे एक कोट अप्लाई कर लूँगी, बहुत थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं सेकेंड कोट डार्लिंग इसाबेल की बुलेट मैट लिपस्टिक का अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है, बट मैं थोड़ा सा इसके रेड को ब्रेक करना चाह रही थी, मैं थोड़े से इसके टोन को अलग करना चाह रही थी। सो मैंने रेड एंड पिंक को मिक्स कर दिया है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा हैक आप भी यूज़ कर सकते हैं, यदि आपको थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ लिपस्टिक चाहिए और वो कलर आपके पास नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट करें, एक दो कलर को आपस में मिक्स एंड मैच करें तो एक ना एक नया कलर बन के आएगा। सो इन दोनों लिपस्टिक को अच्छे से मिक्स एंड मैच करके एक कोट रेड का लगा के अगेन एक कोट पिंक का लगा करके ऐसा एक दो कोट अप्लाई करके मैं अपने लिप्स को फिल कर लूँगी। सो फाइनली मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बिंदी अप्लाई कर ली है, एंड यू गाइस कैन सी दैट कि मेकअप लुक कितना ब्यूटीफुल है, कितना इजी है। बहुत कम प्रोडक्ट के साथ आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और ये एक ऐसा लुक है कि आपके सारे इंडियन आउटफिट्स के साथ चला जाएगा। आपको अपने इंडियन आउटफिट के साथ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मेकअप वेयर करना है तो आप ये मेकअप लुक बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी पूजा में, किसी भी एथनिक वेयर के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है ये मेकअप लुक। मैं हमेशा अपने एथनिक वेयर के साथ ये लुक क्रिएट करना पसंद करती हूँ, एज वेल एज आप अपने लिपस्टिक का थोड़ा सा गेम चेंज करके एंड बिंदी वगैरह को हटा करके आप इसको वेस्टर्न वेयर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन है उसको भी हिट कर दें ताकि आप अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड आप किस टॉपिक में वीडियोज देखना चाहते हैं, लाइक कौन सा मेकअप लुक आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूँ, जो भी आप देखना चाहते हैं बेसिकली, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप मुझे मेरे सोशल साइट्स पे लाइक इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। बेसिकली मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा IGTV पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ मेकअप से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो आपके लिए यूजफुल होगा, तो मेक श्योर करें आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुद से खुद को ग्रूम करते रहिए यार, जो कि है हमारा मोटिव। बाय।